हेलो एवरीवन, आई एम वरू राणा। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम्स। वेल, आप सभी लोगों ने अपना आरआरबी का फॉर्म फिल कर दिया होगा, और अगर आपने अभी तक अपना आरआरबी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज उसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी उसको फिल कर दीजिए ताकि आपको लास्ट मिनट कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैं बात करूँ तो मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ पर कमेंट्स देख रही थी, या फिर मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने क्या क्या सोर्सेज को फॉलो किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, या मैं क्या क्या सोर्सेज अभी भी फॉलो करती हूँ प्रिपरेशन करते हुए, क्या मॉक टेस्ट लगाती हूँ, कहाँ से कंटेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपना मॉक टेस्ट आपको बताया कि मैं कौन कौन से मॉक टेस्ट यूज़ करती हूँ। अब मैं बात करूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाता है, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। बट आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से सिर्फ ऑनलाइन पे रिलाई नहीं करते होंगे, या उनको अभी भी ऐसा लगता होगा कि बुक से पढ़ना एक अच्छा ऑप्शन है। वेल, मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं खुद ये सोचती हूँ कि मैं ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्टिल एक बुक से पढ़ने की जो हमें स्कूल से आदत लगी हुई होती है, हम उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और मैंने खुद भी प्रिपरेशन करते हुए मैं ऑनलाइन के साथ साथ बुक से भी अपनी प्रैक्टिस करती थी। जैसे मैं क्वांट्स की बात करूँ तो क्वांट्स में मुझे 2-3 बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर वो कर रहे हो तो एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है एस चंद की, वो मुझे काफ़ी सही लगती है। उसमें हर आपको चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेसिक लेवल के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बेसिक अच्छा हुआ होता है लेकिन उनको हाई लेवल के क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैंकिंग के साथ साथ कैट वगैरह की भी तैयारी करते हैं। तो वो एक सर्वेश वर्मा की क्वांटम कैट करके बुक आती है जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको हायर लेवल पे प्रैक्टिस करना है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो उस बुक से। अब मैं बात करूं कि जो बैंकिंग के लिए, स्पेसिफिकली बैंकिंग के लिए अगर कोई बुक है तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये टेस्ट बुक की 4000 प्लस स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक। ये बुक मैंने खुद से प्रैक्टिस की है, यूज़ की है, और ये बहुत ही मुझे यूज़फुल लगी। एक तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब 4000 प्लस क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे एक ही जगह पर, मतलब हमें हर चैप्टर के लिए अलग 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 पीडीएफ्स डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक में हमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस इसमें तीन लेवल पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले एक लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। सबसे मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हर लेवल के हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद हर चैप्टर की शुरुआत में आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलता है, अगर आप उसको स्कैन करते हो तो आपको एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, वीडियो की फॉर्म में पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, जिससे आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। प्लस एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये हमारा चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, हम तो इसके सारे क्वेश्चंस कर देते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई चैप्टर आपका स्ट्रांग है तो आपकी उसके टाइम पे भी कमांड हो। इसमें वही है कि हर क्वेश्चन के साथ साथ उनका एक टाइम लिखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस में कितने आपको टाइम लगना चाहिए। तो इसी तरह से कि हम हर क्वेश्चन पे सिर्फ इतना ही टाइम इन्वेस्ट करें, इतने क्वेश्चन उसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ही है कि वो इतने टाइम लिमिट में हो जाए। तो अगर हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एक ऑफलाइन सोर्स चाहिए कि जहाँ पे आपको हर चैप्टर का एक ही जगह आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार टेस्ट बुक की बुक को ज़रूर ट्राई करो। प्लस ये बुक ऐसी है कि आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, ये आपको दोनों मीडियम्स में, दोनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी।
तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और पर्सनली ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई करो। आई होप आपको ये चीज़ें आप अगर ये फॉलो करो तो आपको हेल्प मिले। और इसके अलावा अगर कोई भी और आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट _nevergiveup_25 पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो नेवर गिव अप, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।